नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के बीच कांग्रेस की कर्नाटक सरकार से भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी खबर दब गई है। कर्नाटक के अनुसूचित जनजाति कल्याण कैबिनेट मंत्री बी नागेंद्र पर दबाव बनाया जाता है कि आप अनुसूचित जनजाति कल्याण निगम में जो 187 करोड़ रुपए पड़े हैं उसे आंध्र प्रदेश की एक कंपनी में ट्रांसफर कर दीजिए। जाहिर सी बात है यह दबाव मुख्यमंत्री ने नहीं बल्कि दिल्ली हाईकमान ने किया होगा, क्योंकि चुनाव के लिए पैसा चाहिए था और मंत्री जी के आदेश पर अनुसूचित जनजाति कल्याण निगम के 187 करोड़ रुपए एक अनजान सी कंपनी जिसका हेड ऑफिस विशाखापट्टनम है उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। 15 दिन बाद जब यूको बैंक अपनी ऑडिट करता है तब बैंक को यह देखकर कुछ गड़बड़ी लगती है कि अनुसूचित जनजाति कल्याण निगम का पैसा एक कंपनी में क्यों ट्रांसफर किया गया और यूको बैंक अपने उच्च अधिकारियों को इस बारे में सूचना देता है। ऊपर से नीचे तक हड़कंप मच जाता है। हालांकि इसमें यूको बैंक की कोई गलती नहीं थी, लेकिन अनुसूचित जनजाति कल्याण निगम का बैंक खाता यूको बैंक में था, इसलिए बैंक ने यह घोटाला पकड़ा। बैंक के अधिकारी अपने मुख्यालय में सूचना देते हैं और फिर यूको बैंक बाकायदा ट्विटर पर एक प्रेस रिलीज जारी कर देता है। यह 187 करोड़ रुपए जो अनुसूचित जनजाति विकास निगम से ट्रांसफर किए गए हैं यह कोई बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। अब कर्नाटक सरकार बैकफुट पर आई और कर्नाटक अनुसूचित जनजाति विकास निगम के प्रमुख लेखा अधीक्षक जो एक दलित है चंद्रशेखर पी पर दबाव डाला जाता है, इसकी जिम्मेदारी तुम अपने ऊपर ले लो और कर्नाटक राज्य सरकार पूरी जिम्मेदारी उस दलित लेखा अधीक्षक के ऊपर डाल देता है। फिर वह दलित लेखा अधीक्षक चंद्रशेखरन पी ने तीन पन्ने का नोट लिखा जिसमें उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के मंत्री का पूरा चिट्ठा खोला कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है, जबकि यह पैसा जिस दिन ट्रांसफर हुआ उस दिन मैं ऑफिस में था ही नहीं, मंत्री ने खुद ट्रांसफर किया है और क्या कर ली। अंततः आज मंत्री को पद से हटाया गया, लेकिन सवाल यह है कि पहले यह पता किया जाए कि दिल्ली से किस बड़े आदमी ने फोन किया और यह पैसे आप एक अनजान कंपनी में ट्रांसफर करिए। अब आप कल्पना करिए यदि आज केंद्र में कांग्रेस सत्ता में होती तो भ्रष्टाचार के कितने नए नए कीर्तिमान बना दिए गए होते। निगम के अधीक्षक चंद्रशेखर पी और उनके सुसाइड नोट से राज्य में राजनीतिक तूफान आ गया। विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सिद्धारमैया सरकार पर आरोप लगाते हुए मंत्री बी नागेंद्र को बर्खास्त करने की मांग करना शुरू कर दी। इस मामले पर डीके शिवकुमार ने यह भी कहा कि नागेंद्र सीबीआई सहित किसी भी जांच के लिए तैयार है। राज्य में राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है और भाजपा ने सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा था। कर्नाटक भाजपा प्रमुख बी वाई विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता दलितों और आदिवासी समुदायों के लिए काम करने की आड़ में भ्रष्टाचार में लिप्त है। इससे पहले पुलिस ने हत्या के लिए उकसाने आईपीसी धारा 306 के लिए तीन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। क्या कहना है आपका कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।